वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। हम सभी लोगों का न्यूक्लियोसोम एकेडमी में स्वागत करते हैं। स्पेशली इस ड्रीम पीजीटी वाले सेक्शन में सफलता उस चिड़िया का नाम है जो एक दिन में उड़ती नहीं है, उसको रोज़ रोज़ उड़ाना पड़ता है, यानी कि डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास करत जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास कीजिए, ये बहुत ऊंचाई तक आपको ले जाएगा। मेरा ये खुद का मानना है कि ये जो शिक्षा है इस पर सबका अधिकार है, इक्वल अधिकार है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, इस शिक्षा पर सबका समान अधिकार है। मेरी कोशिश ये है कि इस पैंडेमिक में हमें हर घर तक पहुँचना है, हर घर तक शिक्षा को पहुँचाना है, हर उस बच्चे को जो पढ़ना चाहता है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, ताकि वो ये ना कह सके कि हम रिसोर्सेज के कारण पढ़ना तो चाहते थे लेकिन पढ़ ना पाए, स्ट्रगल कर रहा है लेकिन उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं कि बेटा ये लो, तुमको क्या चाहिए। क्योंकि जब भी बताया ना, पहले ही बता चुके, रोज़ रोज़ क्या अपना दुखड़ा रोए, 9th 10th 11th 12th में थे तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी उतना। जब अब हमारे पास वो चीज़ है तो हम चाहते हैं कि जो हम फील करते थे 9th 10th 11th 12th में, वो कोई बच्चा फील ना करे, अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, पढ़ना चाहता है तो। खैर छोड़िए, ड्रीम पीजीटी में हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपका फाइलम प्रोटोजोआ, क्या बायोलॉजी में पहला चैप्टर फाइलम प्रोटोजोआ नॉन कॉर्डेट्स में, क्या फाइलम प्रोटोजोआ आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ भैया एकदम फोड़ दीजिए, किस चीज़ को, पीजीटी को क्रैक कीजिए, 50 दिन में आपकी लाइफ बदल देगी ये। ये हमारा आज पहला लेक्चर है पीजीटी का, तो हम लोग पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजोआ। देखिए होता क्या है फाइलम प्रोटोजोआ में, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या चीज़, पहले आप जान लीजिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आर्य छ्वीटेकर ने पांच ग्रुप में डिवाइड किया, कौन कौन जल्दी बता दीजिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड लास्ट वन इज द एनिमेलिया। ये अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा में किसको रखा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को रखा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, क्या चीज़, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा। ठीक, फंजाई में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक लेकिन सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वालों को रखा। प्लांटी में मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक वालों को रखा, और इसमें आपके मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वालों को रखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया की अभी बात नहीं कर रहे हैं, ना तो हम यहाँ पे मोनेरा की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोटिस्टा का, किसका, प्रोटिस्टा का। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। हाँ, एक और बात, इसका आपको नोट्स पीडीएफ लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरे एकदम डिटेल के साथ, क्या पूरा डिटेल के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मिलेगा आपको। तो ये अगर हम बात करें प्रोटिस्टा का, किसका, प्रोटिस्टा का, तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, क्या चीज़, यूनिसेलुलर
यूकैरियोट रखे गए हैं। कौन रखे गए हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट रखे गए हैं। इसको भी कई पार्ट में आगे चल करके डिवाइड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। तो प्रोटिस्टा को क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लैजेलेट्स युग्लिनोइड्स स्लाइम मोल्ड एंड लास्ट वन इज द प्रोटोजोआंस। ठीक, तो इसमें देखिए हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, पहले प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, तो प्रोटोजोआ एक साथ पढ़ते थे, लेकिन फिर बाद में इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ को अलग कर दिया गया, क्योंकि प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। तो इसमें हम आज युग्लिनोइड्स और प्रोटोजोआंस की बात करेंगे। ठीक, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट और स्लाइम मोल्ड्स नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रोटोजोआंस की। तो अगर हम प्रोटोजोआंस की बात करें, किसकी बात करें? फाइलम प्रोटोजोआ की बात करें, तो सबसे पहले आप देखिए बाबू, प्रोटोजोआ होते हैं, दे आर द प्रिमिटिव। क्या होते हैं ये? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है ये सबसे, इनको एंसेस्टर माना जाता है। जितने भी आपके हायर एनिमल हैं इनको एंसेस्टर इसका माना जाता है। क्या माना जाता है इसका? एंसेस्टर, पूर्वज माना जाता है। और ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। अच्छा, यूकैरियोटिक होगा तो जल्दी से बता दीजिए, राइबोसोम्स क्या होगा? राइबोसोम जो होंगे 80S टाइप का होगा यूकैरियोटिक में। और हम ये भी बता दें 80S का जो सब यूनिट होता है वो क्या क्या होता है? 60S होता है, प्लस क्या होता है? 40S होता है। यूकैरियोटिक को आप पहचानेंगे कैसे? यूकैरियोटिक में ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक अगर होगा तो इसके डीएनए के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। अगर ये प्रोकैरियोटिक होता तो यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को हम पहचान सकते हैं। तो ये प्रिमिटिव हो गए, यूनिसेलुलर हो गए। ये आपके फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, और ये आपके एक्वेटिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फ्रेश वाटर एज वेल एज एक्वेटिक हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए इनमें जो होता है हेटरोट्रॉफिक, क्या चीज़? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और ये होते हैं मोटाइल। क्या होते हैं? मोटाइल होंगे तो इनमें पाया जाएगा फ्लैजिला। क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला और सीलिया पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा इसमें? फ्लैजिला और सीलिया पाया जाएगा। और इनके सेल में डिवीज़न ऑफ लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डिवीज़न ऑफ लेयर का मतलब ईच सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेगी। जिसको खाना बनाना है वो खाना बनाएगी, जिसको तैरना है वो सेल तैरने में मदद करेगी। ठीक, जिसको और कोई काम करना है, जिसको क्या फैगोसिटिक सेल्स होती हैं वो अपना फैगोसिटिक का काम करेंगी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। अब इसमें देखिए होलोजोइक, क्या चीज़ भाई? एनिमल है तो इसमें जो होगा आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। क्या होगा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके एनिमल की तरह फूड इनटेक करेंगे, एनिमल लाइक फूड को क्या करेंगे ये? इनटेक करेंगे। ये है होलोजोइक का मतलब। होलोफिटिक का मतलब क्या होता है जरा बताना? होलोफिटिक का मतलब होता है कि प्लांट लाइक, किसके लाइक? प्लांट लाइक। और इनमें ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, क्या चीज़ के लिए? ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी कभी कभी पाया जा सकता है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। ओके,
इसके अलावा अगर हम बात करें गैसियस एक्सचेंज की, तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है आपका, गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। क्या चीज़? सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा होता है गैसियस एक्सचेंज। सिंपल डिफ्यूज़न का मतलब, ये एक सेल है, यहाँ से CO2 क्रॉस करके बाहर चली जाएगी, O2 क्या अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अंदर आ जाएगी डिफ्यूज़न के अकॉर्डिंग, ठीक। और अगर हम बात करें इसमें, ये अच्छा, ये क्या होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, जो वाटर में पाए जाते हैं उनका वेस्ट मटेरियल अमोनिया होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अमोनिया इज द नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। इनका वेस्ट मटेरियल क्या होता है? अमोनिया होता है। ओके, अब देखिए अमोनिया इज द नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। अब इनमें अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन का, किसका? रिप्रोडक्शन का। तो इनमें रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से हो सकता है, सेक्सुअल मेथड के भी द्वारा हो सकता है और एसेक्सुअल मेथड के द्वारा भी क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन हो सकता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल मेथड का, तो सेक्सुअल मेथड में इनमें कभी कभी कंजुगेशन होगा। क्या होगा? कंजुगेशन, अभी जैसे पैरामीशियम में हम आपको बताएंगे, कंजुगेशन हो सकता है या गैमीट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इनमें बडिंग हो सकता है। और क्या हो सकता है बडिंग के अलावा? बडिंग के अलावा स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है। स्पोर फॉर्मेशन के अलावा बाइनरी फ्यूजन हो सकता है, बाइनरी फ्यूजन हो सकता है और मल्टीपल फ्यूजन हो सकता है। क्या हो सकता है? मल्टीपल फ्यूजन हो सकता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है एग्जांपल? बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंजुगेशन और गैमीट का फॉर्मेशन। गैमीट का फॉर्मेशन तो लगभग सब में पाया जाएगा, लेकिन ये कंजुगेशन स्पेशली किसमें पाया जाता है? आपके पैरामीशियम में। अभी हम आपको बताएंगे पैरामीशियम में कैसे होता है, ठीक। अब आगे अगर हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर, जरा हम क्लासिफिकेशन इसका करें। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इस प्रोटोजोआ का भी, क्या इस प्रोटोजोआ का को भी क्लासिफाई करें, तो प्रोटोजोआ में जो पहला क्लासिफिकेशन हमको मिलता है वो होता है अमीबॉयड। क्या चीज़? अमीबॉयड प्रोटोजोआंस। अमीबॉयड प्रोटोजोआंस यानी कि वैसे प्रोटोजोआ जो अमीबा या अमीबा की तरह होते हैं। किसकी तरह? अमीबा या अमीबा की तरह होते हैं, ठीक। तो अगर हम अमीबॉयड प्रोटोजोआंस की बात करें, तो इनका जो होता है, इनका जो कोई शेप, नो स्पेसिफिक शेप कोई भी इनका स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। इनमें सेल वॉल जो होता है, क्या चीज़? सेल वॉल जो होता है वो सिलिका का बना होता है। अगर वो मैरीन इन्वायरमेंट में एनिमल रह रहा है तो, क्या चीज़? अगर सेल वॉल सिलिका का बना होगा, अगर वो मैरीन इन्वायरमेंट में रह रहा होगा तो उसका सिलिका का बना होगा। वैसे तो सेल वॉल पाया नहीं जाता है, अगर सेल वॉल पाया जाएगा तो सिलिका का होगा, लेकिन ऐसे एनिमल अगर मैरीन इन्वायरमेंट में होंगे तब जा करके पाया जाएगा। सेल वॉल की हमने बात कर लिया अमीबॉयड प्रोटोजोआन में। और अगर अमीबॉयड प्रोटोजोआन की बात करें, तो इसमें जो होता है किसी किसी में स्यूडोपोडिया पाया जाता है, जैसे कि स्यूडोपोडिया हमारे अमीबा में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फीट। क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट बोलते हैं। फॉल्स फीट इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्यूडो का मतलब ही होता है झूठा और पोडिया का मतलब पैर। ये देखिए हमारा अमीबा है, ठीक। अब क्या होता है कि इसमें ये पैर की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिस सरफेस पर इनका चलना होता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन से बनता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्यूडोपोडिया आपके एक्टोप्लाज्म प्लस एंडोप्लाज्म के मॉडिफिकेशन से बनता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया अमीबा में पाया जाता है। देखिए स्यूडोपोडिया एंड अमीबा हिस्टोलिटिका में नहीं पाया जाएगा, ठीक। और इसमें जो होगा फ्री लिविंग प्लस पैरासिटिक नेचर, दोनों तरीके के एनिमल पाए जाएंगे। फ्री लिविंग में आप लिख सकते हैं यहाँ पर अमीबा होगा, और पैरासिटिक नेचर में आपके लिख सकते हैं एंट अमीबा। क्या चीज़? एंट
अमीबा, अमीबा का क्या बड़ा भाई कह लीजिए, एंट अमीबा है। अच्छा, पैरासिटिक में भी ये एंडो पैरासिटिक होता है। एंडो पैरासिटिक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है हमारे ऊपर चिपका हुआ है, तो इसको बोलते हैं एक्टो। एक्टो का मतलब ऊपर, और हमारे माउथ से चला गया अंदर कहीं पर, लीवर में जाकर चिपक गया, पैनक्रियाज में जाकर चिपक गया, हमारे कॉलन में जाकर चिपक गया, ठीक, तो उसको बोलते हैं एंडो पैरासाइट। तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे कॉलन में पाया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल हो गया अमीबा हो गया और एंट अमीबा हो गया, ठीक। अब देखिए अमीबा का थोड़ा सा हम अगर देखें, चर्चा करें, क्योंकि अमीबा जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। अगर हम अमीबा की बाबू बात करें, अमीबा की बात करें, तो अमीबा में जो अमीबा जनरली जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है। क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है, लेकिन कभी कभी ये मैरीन इन्वायरमेंट में भी पाया जा सकता है, ठीक। अच्छा, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर अंदर आएगा, वो अपने आप को क्या करेगा, बचने के लिए उस वाटर को फिर से ले जाकर के सरफेस पर फोड़ देगा, ठीक। तो नए नए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनते रहते हैं और ये टूटते रहते हैं। और इसमें बायूरेट्स, क्या चीज? बायूरेट्स एंड ट्राईयूरेट्स। जो ये बायूरेट्स और ट्राईयूरेट्स है, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होते हैं। किसके? अमीबा के होते हैं बायूरेट ट्राईयूरेट्स। और इसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है। स्यूडोपोडिया को बाबू फॉल्स फीट बोला जाता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके द्वारा ये सरफेस पर चलता है। और ये अमीबा जो होता है, ये लाइट के प्रति, टम्परेचर के प्रति और टच के प्रति ये क्या करता है? स्टिमुलस देता है, ठीक है। यानी कि इसको लाइट देंगे या इलेक्ट्रिसिटी देंगे या फिर इसको टच करेंगे तो उसके प्रति ये स्टिमुलस करेगा, ठीक है। क्या करेगा? स्टिमुलस करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो होता है रिप्रोडक्शन जो होता है, क्या चीज़? इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाबू बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। ये है अमीबा, ये दो इक्वल पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है बीच से। एक न्यूक्लियस इसमें भी चला जाता, इसका एक न्यूक्लियस भी ब्रेक डाउन हो जाता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कैरियोकाइनेसिस भी होता है और साइटोकाइनेसिस भी होता है। ये आपका क्या हो गया? दो अमीबा इक्वल साइज के बनते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन, ओके। तो इसमें अमीबा में रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। स्यूडोपोडिया पाया जाता है, बायूरेट ट्राईयूरेट्स पाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होता है, फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन एनवायरमेंट में होता है, लाइट टेम्परेचर टच के प्रति क्या करते हैं, ये स्टिमुलस दिखाते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें जो होता है फूड वैक्यूल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फूड वैक्यूल्स पाया जाता है। फूड वैक्यूल्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। फूड वैक्यूल यानी कि इसमें जो आपका डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर होता है। सेल का अंदर का मतलब इसमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। क्या होता है? इंट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन होता है। देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में अंतर यही होता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में सेल के बाहर इस पूरे जो नली है उसमें डाइजेशन होता है, यानी कि सेल के बाहर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं। यहाँ पर फूड का पार्टिकल है, इस सेल के अंदर ही चला जाता है, इसीलिए यहाँ पर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। तो ये हो गया आपके डाइजेशन की बात, रिप्रोडक्शन की बात हो गई, ठीक। और ये होता है आपका होलोजोइक। क्या होता है? ये होलोजोइक नेचर का होता है। होलोजोइक का मतलब एनिमल लाइक फीडिंग करता है, ओके। एनिमल लाइक क्या करता है? ये फीडिंग करता है। ये फीडिंग कैसे करता है? अपने स्यूडोपोडिया को, जैसे ये मान ले फूड पार्टिकल है, ये अमीबा है, ये फूड पार्टिकल, इसके चारों तरफ ये जाएगा, ऐसे एक कैविटी बना लेगा। कैविटी बनाने के बाद ये धीरे से इसको क्या करेगा? अपने अंदर कर लेगा। ये देखिए फूड पार्टिकल अगले स्टेप में अपने अंदर आ गया, इसको कॉन्ट्रैक्ट आपके इससे सॉरी इसमें जो आपके आपके फूड वैक्यूल्स में, ये फूड वैक्यूल्स के अंदर चला गया, यहीं पर इसका डाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइजेशन। इसमें दो टर्म होते हैं, एक होता है आपका पिनोसाइटोसिस, एक होता है फैगोसाइटोसिस। तो ये अपना खाना, ठीक है, पिनोसाइटोसिस, अगर पिनोसाइटोसिस
अगर अपना खाना लिक्विड के फॉर्म में ले रहा है तो इसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, अगर अपना खाना जो है सॉलिड के फॉर्म में ले रहा है तो इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस, अपना फूड सॉलिड के फॉर्म में अगर ले रहा है। ओके, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, अमीबा। ठीक, कई बार हमने देखा ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर में कि अगर एक अमीबा है जो कि फ्रेश वाटर में है, किसमें है ये? फ्रेश वाटर में है, अगर इसको उठा करके कहाँ पर रख दिया जाता है? मैरीन वाटर में रख दिया जाता है, यानी कि फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर। अच्छा बताइए, ये अमीबा था, फ्रेश वाटर जल्दी जल्दी अंदर आएगा क्योंकि अंदर का हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, तो इसमें ढेर सारा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनने लगेगा। लेकिन इसी अमीबा को जब मैरीन इन्वायरमेंट में रख देंगे तो मैरीन इन्वायरमेंट ऑलरेडी बाहर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, अंदर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, तो ऑस्मोरेगुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनना बंद हो जाएंगे। यानी कि यही अमीबा जब फ्रेश वाटर में होगा तो इसमें ढेर सारे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होंगे, जैसे ही मैरीन इन्वायरमेंट में रखेंगे ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनना बंद हो जाएंगे, यानी कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल या तो बंद हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। और किसी मैरीन, अब उल्टा करके सोचिए, किसी मैरीन अमीबा को, क्या इस उल्टा करके सोचिए, कोई मैरीन अमीबा था, इसके पास तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होगा नहीं, अब इसको फ्रेश वाटर में उठा कर रख दीजिए तो इसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी अंदर आएगा और पानी अंदर आएगा तो इसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ये बस्ट कर जाएगा, सेल फट जाएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अमीबा के केस में। ओके, तो ये था अमीबा पहला मेंबर। अब अगर हम इसमें दूसरे मेंबर की बात करें, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें, किसकी बात करें? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, अच्छा हिस्टोलिटिका क्यों शब्द पड़ा यहाँ पर, सॉरी बायोनॉमल क्रिएचर के अकॉर्डिंग ये स्मॉल होगा, हिस्टोलिटिका, हिस्टो शब्द जो होता है लीवर से लिया जाता है, कहाँ पे? लीवर से, मतलब इसका कुछ चक्कर लीवर से है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कोलन के साथ साथ हमारे लीवर में बाइल जूस को भी खाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे कोलन में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे कोलन में पाया जाता है। ये एंडो पैरासाइट होता है, क्या होता है ये? एंडोपैरासाइट नेचर का होता है। ये अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है, पेची जिसको बोलते हैं, डिसेंट्री कॉज करता है, कौन से डिजीज कॉज करता है? अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। वहाँ पर हमारे म्यूकस को क्या करता है? म्यूकस को ईट करता है, यानी कि हमारे म्यूकस को खाता है, और अगर म्यूकस को खाएगा वही म्यूकस हमारे फीकल मैटर के साथ, मल के साथ बाहर निकलते हैं, कभी कभी ब्लड भी निकल सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसके सिम्टम्स होंगे पेट में क्या होगा? पेन होगा, ठीक, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, और हमारे फीकल मैटर के साथ म्यूकस निकलेगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा अगर हिस्टोलिटिका की बात करें तो, अच्छा ये बताइए एंट अमीबा, इसमें एंट अमीबा क्या है? ये जीनस लिखा हुआ है इसका, और हिस्टोलिटिका क्या लिखा हुआ? स्पीसीज, बायोनॉमियल नॉमनक्लेचर के अकॉर्डिंग। बायोनॉमियल नॉमनक्लेचर किसने दिया था? बायोनॉमियल नॉमनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है, पहले उनका नाम कार्ल वान लीनियस था, तीन लेटर थे, पहले उन्होंने सोचा कि हाँ क्यों ना इसको हम अपने ही ऊपर अप्लाई कर लें, तो कार्ल वान लीनियस से उन्होंने कैरोलस लीनियस कर लिया, जो कि एक जीनस बताता है और एक स्पीसीज बताता है। अब देखिए, अगर हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें, क्या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की अगर और बात करें आपसे, तो इसमें जो होता है, इसकी खोज जो लैम्बल, किसने? लैम्बल एंड लॉस ने किया था। किसने किया था? इसकी डिस्कवरी लैम्बल एल लॉस ने किया था। और इसका जो आपका इन्फेक्टेड पीरियड होता है, इन्फेक्टेड स्ट्रक्चर होता है, वो क्वाड्रीफ्लैजिलेट, क्या चीज़? क्वाड्री न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है। कौन सा स्टेज होता है? क्वाड्री न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है। तो लैम्बर और लास ने इसको डिस्कवर किया था, इसे डिसेंट्रिक अमीबा बोलते हैं, क्योंकि ये
अमीबिक डिसेंट्री कास करता है, लाइफ ऑफ इंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज मोनोजेनेटिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है आपका मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब ये होता है कि इसकी लाइफ एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर फिनिश हो जाता है। जैसे अगर ये हमारे अंदर है तो हमारे अंदर ही इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ठीक, कोई कोई डाइजेनेटिक होता है, जैसे मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया क्या होता है, हमारे अंदर भी रहता है, कुछ समय के बाद हमारे ब्लड से वो मच्छरनी के भी अंदर चला जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो ऑर्गेनिज्म चाहिए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक। और जिनको एक ही होस्ट चाहिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोजेनेटिक, या आपके इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोजेनेटिक बोलते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या होता है, आपका मोनोजेनेटिक होता है। ठीक, आपका इसमें जो होता है मेट्रोनी, इसमें एक हम मेडिसिन का नाम आपको बता रहे हैं, मेट्रिनाजोल। क्या चीज, मेट्रिनाजोल एक मेडिसिन होता है जो अमीबिक डिसेंट्री के प्रति क्या होता है, बहुत कारगर मेडिसिन होता है। ठीक है, ये होता है आपका मेडिसिन का नाम, क्या नाम होता है इसका, मेट्रिनाजोल। सॉरी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें कोई एक मेडिसिन बताइए जो इस केस में कारगर साबित हो। ओके, तो हमने बता दिया ह्यूमन कोलन में पाया जाता है। अच्छा, इसमें दो फॉर्म होते हैं, क्या चीज़, एक मैग्ना फॉर्म होता है, एक माइनूटा फॉर्म होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है किस किन फॉर्म में पाया जाता है, तो एक मैग्ना फॉर्म में पाया जाता है और दूसरा माइन्यूटा फॉर्म में पाया जाता है, मतलब एक छोटा होता है एक फॉर्म बड़ा होता है, तो मैग्ना और माइन्यूटा फॉर्म। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में आपको इतना ही याद रखना, क्या, इतना ही आपको याद रखना है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो ये अमीबॉइड प्रोटोजोआंस थे। अमीबॉइड प्रोटोजोआंस के बाद अगर हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस की बात करें, किसकी बात करें, जरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस की बात करें, यानी कि दूसरे प्रोटोजोआ जो होते हैं जिनके पास फ्लैजिला होगा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस की बात करें, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस की बात करें, तो इनमें तो नाम ही बता रहा है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक, अब इसमें सबसे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इसके कैरेक्टर हम लोग पढ़ते हैं, इसमें एग्जांपल सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें एग्जांपल आएगा ट्रिपैनोसोमा, क्या आएगा, ट्रिपैनोसोमा, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। इससे होता है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ होगा, कौन सा डिजीज़ होगा, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है। अच्छा, इसमें आता है आपका दूसरा एग्जांपल लीसमैनिया डोनोवेनाई, यहाँ पर स्मॉल डी होगा, लीसमैनिया डोनोवेनाई से आपका होता है काला आजार, क्या चीज़, काला आजार डिजीज़ होता है, लीसमैनिया डोनोवेनाई से आपका काला आजार डिजीज़ होता है। ठीक, अच्छा, एक और इसमें एग्जांपल आपको हम बताएं तो होता है ट्राइकोनिम्फा, तीसरा एग्जांपल नोट कीजिए, ट्राइकोनिम्फा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्राइकोनिम्फा जो होता है, जो टर्माइट्स का मतलब जो दीमक होते हैं, जो लकड़ी खाते हैं, क्या लकड़ी, यानी कि सेलुलोज का जो डाइजेशन करते हैं, अगर वो ऐसे सेलुलोज खाएंगे तो मर जाएंगे, लकड़ी खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन टर्माइट्स के गट में ये प्रोटोजोआंस पाया जाता है जिसका नाम होता है ट्राइकोनिम्फा, और उसके साथ ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है। सिम्बियोटिक का मतलब दोनों का फायदा होता है, ट्राइकोनिम्फा को रहने के लिए उसको गट में जगह मिल गया, ठीक है, और उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या मिल गया,
सेलुलेज एंजाइम मिल गया। तो ट्राइकोनिम्फा के पास सेलुलेज एंजाइम होता है, क्या होता है, सेलुलेज एंजाइम होता है जिससे वो लकड़ी का क्या करता है, डाइजेशन कर देता है, ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा के बाद अगर हम बात करें ट्राइकोमोनास वजैनैलिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइकोमोनास वजैनैलिस, ठीक है, नाम ही बता रहा है वेजाइना से संबंधित कुछ चीज़ है, ठीक। तो ट्राइकोमोनास वजैनैलिस जो होगा ह्यूमन यानी कि फीमेल के वेजाइना में पाया जाता है और ये लगातार जो होता है एसिडिक कंडीशन इन्वायरमेंट को बनाता है, म्यूकस को क्या करता है, ये म्यूकस को वहाँ से स्क्रैप करता है। तो ट्राइकोमोनास वजैनैलिस से ल्यूकोरिया, क्या चीज़, ल्यूकोरिया डिजीज़ होता है, ल्यूकोरिया डिजीज़, ठीक। तो वेजाइना से क्या होता है, हल्का हल्का फ्लूड का सिक्रीशन होने लगता है जिसको हम लोग ल्यूकोरिया हिंदी में श्वेत प्रदर रोग बोला जाता है। ये एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है जिसका नाम होता है ट्राइकोमोनास वजैनैलिस हो गया। तो ये क्या हो गया, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस हो गया, लीस्मानिया डोनोवानाई हो गया, ओके, ट्राइकोमोनास वजैनैलिस हो गया, हमने ट्राइकोनिम्फा के बारे में बताया। चलिए अच्छा गाइडिया के बारे में आइए, गाइडिया एक इसका मेंबर होता है गाइडिया। अच्छा गाइडिया को बोलते हैं ग्रैंडफादर ऑफ अमीबा, ठीक है, अमीबा के दादाजी हैं ये होते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकता है एज वेल एज क्या चीज़ हो सकता है, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक यानी कि ये हमारे कोलोन में पाए जाते हैं, कहाँ पर पाया जाता है, ये हमारे कोलोन में पाया जाता है, ठीक। डाइजेशन ऑफ आपका ये गाइडिया जो होता है ये कोलोन, इतना ही जानिए, ठीक। तो ये गाइडिया जो होता है आपका ग्रैंडफादर ऑफ अमीबा बोलते हैं, फ्री लिविंग होता है, हमारे कोलोन रीजन में पाया जाता है। तो ये आपके थे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस, कौन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस। इसके बाद अगर हम बात करें सीलिएटेड प्रोटोजोआस का, किसका, थर्ड नंबर सीलिएटेड प्रोटोजोआस, नाम ही बता रहा है इसमें सीलिया पाया जाएगा। अच्छा सीलिया और फ्लैजिला में क्या अंतर होता है, बस लेंथ का अंतर होता है, सीलिया क्या होते हैं, छोटे होते हैं, फ्लैजिला बहुत बड़े होते हैं। सीलिया किस में मदद करता है, मोटाइल होने में मदद करता है, और आप सॉरी फ्लैजिला आपका मोटिलिटी में मदद करता है, और सीलिया किस में मदद करता है, अटैचमेंट में मदद करता है। तो इसमें पाया जाएगा पूरी बॉडी पर सीलिया पाया जाएगा, ठीक, सीलिया पाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो होती हैं इसमें रिजर्व फूड मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्व फूड मटेरियल पैरामाइलान बॉडी, क्या चीज़, पैरामाइलान बॉडी पाया है जाता है, क्या, पैरामाइलान बॉडी पाया जाएगा रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में। और इसमें क्या होता है अगर हम बात करें तो इसमें एक गलेट पाया जाता है, ठीक, गलेट पाया जाता है, गलेट का मतलब जहाँ से वो फूड को क्या करेगा, इंगल्फ करेगा, ओके। अब देखिए सीलिएटेड प्रोटोजोआन में ये चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है पैरामीसियम। तो अगर इसके मेंबर एक हम पैरामीसियम की बात करें तो पैरामीसियम को सबसे पहले स्लीपर एनिमल बोला जाता है, क्योंकि ये जो हम स्लीपर चप्पल पहनते हैं ये कुछ उसी तरीके का होता है, तो इसको बोलते हैं स्लीपर एनिमल। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है बाबू, सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें कॉन्जुगेशन होता है, क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, अभी बता रहे हैं कॉन्जुगेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन, रिप्रोडक्शन में ये इस कौन सा मेथड है, सेक्सुअल मेथड है। अगर हम एसेक्सुअल मेथड की बात करें तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल, क्या चीज़, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन पाया जाता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दो न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस डाइमॉर्फिज्म शो करता है, एक न्यूक्लियस बड़ा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस छोटा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो का मतलब छोटा, माइक्रो न्यूक्लियस। अब देखिए ये मैक्रो न्यूक्लियस जो है हेल्प करेगा किसमें, मैक्रो न्यूक्लियस हेल्प करेगा हमारे उसके, हमारे नहीं, वेजिटेटिव फंक्शन में हेल्प करेगा, मतलब डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया,
या फिर जितने भी उसके वेजिटेटिव फंक्शन है, जो खुद के फंक्शन है, उसमें हेल्प करेगा। और ये जो छोटा वाला है ना, छोटा है लेकिन बहुत तगड़ा है, ठीक। अब देखिए माइक्रोन्यूक्लियस जो होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कंजुगेशन में मदद करेगा। अभी हम आपको फिगर बना के दिखा रहे हैं, कंजुगेशन में मदद करेगा। तो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, माइक्रोन्यूक्लियस वेजिटेटिव फंक्शन को कंट्रोल करता है और माइक्रो वाला आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। और इनमें चिपकने के लिए क्या पाया जाता है? छोटे छोटे सीलिया पाया जाता है। और क्या पाया जाता है इसमें? गलेट पाया जाता है, जहाँ से ये फूड को क्या करेगा? एंगल्फ करेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? इसमें भी आपका क्या होगा? इसमें भी आपका फूड वैक्यूल्स पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे फूड वैक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे इसको भी डाइजेशन करना है, फूड वैक्यूल्स, ठीक। अब देखिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन, वो भी कंजुगेशन वाला। तो जल्दी से हम बता दें माइक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस बना करके। तो ये देखिए कुछ स्लीपर एनिमल होते हैं, कुछ स्लीपर की तरह होगा ऐसे यूं, ये ऐसे। यहाँ पर एक ओरल ग्रूव होगा और इसके चारों तरफ क्या होगा? ये सीलिया प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? ये सीलिया प्रेजेंट होंगे, ये देखिए। तो इसका ये गलेट हो गया। क्या हो गया? गलेट हो गया। कहीं कहीं पर रिजर्व फूड मटेरियल, जिसको हम लोग पैरामाइलान बॉडी बोल रहे हैं, ठीक। अब देखिए उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। इसके पास एक ऐसे एक बड़ा वाला, ये सपोज़ कीजिए बड़ा वाला न्यूक्लियस है और इसके पास एक छोटा न्यूक्लियस होगा। तो ये वाला हो गया इसका माइक्रो न्यूक्लियस, ये वाला हो गया इसका माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक। माइक्रो न्यूक्लियस तो इसके खुद के फंक्शन को कंट्रोल करेगा, लेकिन ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है, होता क्या है कि ऐसे ही एक पैरामीशियम इसके बगल और आ जाता है, ये देखिए, ठीक। ये एक पैरामीशियम, क्या चीज़? एक पैरामीशियम ऐसे ही इसके बगल में और आ जाता है। इसका ये बड़ा वाला न्यूक्लियस, इसका ये छोटा वाला न्यूक्लियस, इसके पास क्या? इसके पास चिपक जाता है। ये देखिए एकदम इसमें ऐसे चिपक गए दोनों, ये देखिए चिपक गए, बिल्कुल भाई चिपक गए। ये देखिए इसका ये बड़ा वाला न्यूक्लियस, लेकिन ये जो छुटका है, छोटा वाला न्यूक्लियस है, ये जो छुटका है ना, बड़ा बदमाश है, ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है एक्सचेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। तो इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें चला गया, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें चला गया, बताइए कौन मदद किया? माइक्रो न्यूक्लियस जा रहा है, माइक्रो न्यूक्लियस नहीं जा रहा है, फिर ये से डिटैच हो जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कंजुगेशन इन द अमीबा। तो कंजुगेशन इन द अमीबा में कौन हेल्प कर रहा है? इसका माइक्रो न्यूक्लियस हेल्प कर रहा है, ठीक। माइक्रो न्यूक्लियस हेल्प कर रहा है। तो ये हो गया आपका पैरामीशियम। लास्ट है इसमें, लास्ट है स्पोरोजोआंस के बारे में। किसके बारे में? स्पोरोजोआंस के बारे में, ठीक। तो अगर हम स्पोरोजोआंस की बात करें, यानी कि हमने आपको बताया अमीबॉयड प्रोटोजोआंस, सीलिएटेड प्रोटोजोआंस, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआंस, अब लास्ट वन इज द स्पोरोजोआ। क्या चीज़? बहुत इंपॉर्टेंट, स्पोरोजोआंस, ठीक, स्पोरोजोआंस। अब ये जो स्पोरोजोआंस होते हैं आपके, ये टोटली डिपेंड होते हैं दूसरे पर, यानी कि सारे के सारे मेंबर पैरासिटिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? पैरासिटिक नेचर के होते हैं, टोटली डिपेंड होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर, लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पर इनका डिवीज़न किया जाता है, इनका क्लासीफाई किस पर, किस बेसिस पर किया जाता है? इनके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर किया जाता है, ठीक। अब देखिए इसमें सबसे एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लाज्मोडियम। कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है? प्लाज्मोडियम, ठीक। अब इसी प्लाज्मोडियम को हमको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम के, किसकी बात करें हम? प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें,
तो अगर हम बाबू प्लाज्मोडियम की बात करें तो सबसे पहले प्लाज्मोडियम जो होता है ये चार स्पीसीज इसके टोटल मिलते हैं, चार, कौन कौन? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी। ऐसा मत समझिए कि खाली प्लाज्मोडियम मलेरी से ही मलेरिया होता, ये चारों मलेरिया का आश करते हैं। सबसे घातक मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। इसको बोलते हैं ब्रेन फीवर। क्या आ जाता है इसमें? मस्तिष्क बुखार, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन फीवर। तो ये चार स्पीसीज हो गए, ओके। सबसे हैजार्डस कौन होता है, घातक कौन होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। अच्छा, अगर हम प्लाज्मोडियम की देखें लाइफ साइकिल तो ये डाइजेनेटिक होता है। क्या होता है ये? डाइजेनेटिक, यानी कि दो होस्ट इसको चाहिए अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले प्राइमरी होस्ट इसका होता है, प्राइमरी होस्ट होता है इसका ह्यूमन। क्या होता है ये? ह्यूमन होता है। और सेकेंडरी होस्ट जो होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। क्या, कौन सा होस्ट होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब देखिए ये ह्यूमन के अंदर क्या चीज़, अगर हम देखें ये ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है? मतलब करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। और मॉस्किटो के अंदर, इसके अंदर मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। क्या करती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। और ये प्लाज्मोडियम जो होता है, ये इस प्लाज्मोडियम का मॉस्किटो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑन मॉस्किटो, ठीक, मॉस्किटो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ये प्लाज्मोडियम जो होता है। और अगर हम बात करें तो ये मलेरिया का आश करता है, ठीक। मलेरिया से बचने के लिए कुछ ड्रग्स हम बता रहे हैं, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन, ठीक है, क्लोरोक्वीन, और क्लोरोक्वीन, कामोक्वीन, क्लोरोक्वीन और कामोक्वीन, ऐसे मेडिसिन होते हैं जो एंटी मलेरियल होते हैं। अगर हम थोड़ा सा आपको आयुर्वेद की तरफ ले चलें तो आपने सुना होगा सिनकोना। क्या चीज़? सिनकोना, ठीक, सिनकोना, जिससे आपका क्या निकाला जाता है? सिनकोना की छाल से, ठीक है, सिनकोना की छाल से पाउडर बनाया जाता है, ठीक, सिनकोना की छाल से जो है पाउडर बनाया जाता है। सिनकोना की छाल से आपका क्या बनाया जाता है? पाउडर बनाया जाता है जिसका नाम होता है क्यूनीन। क्या नाम होता है? सिनकोना की छाल से, यानी कि बार्क ऑफ सिनकोना से क्यूनीन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? क्यूनीन निकाला जाता है, सिनकोना की छाल से क्यूनीन निकाला जाता है, जो कि एंटी मलेरियल होता है, ठीक। अच्छा, इस प्लाज्मोडियम का कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा इन्फेक्टेड स्टेज है जो हमको इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को, तो वो होता है आपका स्पोरोजाइट स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? स्पोरोजाइट स्टेज। ये स्पोरोजाइट स्टेज जो होता है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करता है? ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, ओके। तो डाइजेनेटिक हो गया ह्यूमन और मॉस्किटो में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, चार स्पीसीज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, मलेरी हो गया इसके, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम सबसे घातक होता है, हैजार्डस होता है, ब्रेन फीवर होता है, डाइजेनेटिक होता है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है, इंटरमीडिएट होस्ट आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वहीं पर अगर हम ह्यूमन को देखें तो ये इसमें मलेरिया काज कर देता है, फीवर आता है। जल्दी से थोड़ा सा इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। क्या देखेंगे? लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल अगर हम देखें बाबू, तो ये देखिए लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो ये हमारा, ये सपोज कीजिए मॉस्किटो है। क्या है ये? मॉस्किटो है। मॉस्किटो का ये जो होता है, ये इसका ट्रंक है, सूंड वाला पार्ट, और इसका ये सलाइवरी ग्लैंड है। क्या है ये? सलाइवरी ग्लैंड को हमने बाहर निकाल दिया, इसमें ढेर सारा सलाइवा भरा होगा। जब ये मान लीजिए हमारा हाथ है, क्या है ये? हमारा हैंड है, ये मॉस्किटो है, मॉस्किटो का स्टमक है, तो मॉस्किटो के अंदर ढेर सारे होंगे स्पोरोजाइट, तो ये स्पोरोजाइट डाल देगा हमारे ब्लड में। कहाँ पे डाल देगा? स्पोरोजाइट हमारे ब्लड में डाल देगा, ठीक। कैसे डालेगा ये? देखिए इसके जो होते हैं ये सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी
ग्लैंड के अंदर एक एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसका एंटीकोगुलेंट जो खून को जमने नहीं देता उसका नाम होता है एनोफेलिन। क्या नाम होता है? एनोफेलिन। ठीक, एनोफेलिन। तो ये सलाइवरी ग्लैंड, ये आता है एंटीकोगुलेंट एनोफेलिन हमारे अंदर। एनोफेलिन हमको क्या करता है? इचिंग करवाता है। तो स्पोरोजॉइट उसी के साथ आ जाते हैं। स्पोरोजॉइट किसके स्पोर होते हैं? आपके प्लाज्मोडियम के स्पोर। ये तुरंत हमारे कहाँ पर जाते हैं? लीवर में, और चलाते हैं लीवर साइजोगोनी। ठीक, तो लीवर साइजोगोनी के बाद ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं? हमारे आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी के अंदर पहुँचने के बाद जो आरबीसी का सारा अंदर का मटेरियल होता है इसको खिसका करके एक तरफ कर देते हैं। क्या, कहाँ पे करते हैं? एक तरफ कर देते हैं। तो जैसे ये देखिए, एक तरफ कर दिया तो जैसे लगता हाथ में पहनने वाली अंगूठी है, तो इस स्टेज को बोलते हैं रिंग सिग्नेट स्टेज। रिंग का मतलब अंगूठी, रिंग सिग्नेट स्टेज, इसको क्या बोलते हैं? रिंग सिग्नेट स्टेज। ठीक, और क्या, कभी कभी इस तरह अमीबा की तरह भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको बोलते हैं अमीबॉयड स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? अमीबॉयड स्टेज। तो अमीबॉयड स्टेज और रिंग सिग्नेट स्टेज हमारे आरबीसी के अंदर, ह्यूमन आरबीसी के अंदर बनता है। अब रिंग सिग्नेट स्टेज के बाद ढेर सारे स्पोर बन जाते हैं, उसी में कुछ छोटे स्पोर बनते हैं और कुछ बड़े स्पोर बन जाते हैं। छोटे वाले को माइक्रो स्पोर बोला जाता है, बड़े वाले को मैक्रो स्पोर बोला जाता है। ये देखिए, इसके गैमीट बन गए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर लगातार। ठीक है, बाइनरी फिजन के द्वारा। तो ये क्या हो गए? माइक्रो स्पोर मेल की तरह बिहेव करेगा और माइक्रो फीमेल की तरह बिहेव करेगी, और ये फिर से हमारे ब्लड में चले जाएंगे, फिर से ब्लड सक कर लिया जाएगा किसके द्वारा? इसके द्वारा। किसके द्वारा? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा सक कर लिया जाएगा। तो माइक्रो स्पोर किसके अंदर चले जाएंगे? गैमीट जो बने हैं फीमेल के अंदर, दोनों जा करके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। फर्टिलाइजेशन करने के बाद इनका यहाँ बन जाएगा जाइगोट, और जाइगोट बनने के बाद ढेर सारे फिर से क्या बन जाएंगे? प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम से फिर से स्पोरोजॉइट बन जाएगा। फिर से ये लाइफ साइकिल ऐसे हमारी चलती रहती है। ठीक, स्पोरोजॉइट आता रहता है। अच्छा, बुखार किस कारण आता है? तो हम बताएं, बुखार जब ये आरबीसी फटती है तो इसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोजॉइन, क्या बोलते हैं इसको? हीमोजॉइन बोलते हैं। तो इस हीमोजॉइन सब्सटेंस के कारण हमको फीवर आता है। क्या आता है हमको? फीवर आता है। तो ये थी प्लाज्मोडियम की पूरी कहानी। ठीक, अब इसके बाद जो है आपको यूग्लिनवाइड्स, क्या यूग्लिनवाइड्स हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गया, ये सब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक, इसका पूरा नोट्स हम आपको दे देंगे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन इसको पढ़िएगा, बी कंटिन्यू। ये हमारा आज का पहला लेक्चर था। ठीक, अब जो भी आपका फीडबैक है आप फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि फीडबैक देने से उसमें हम अपने अंदर मॉडिफाई करके हम और अच्छा कंटेंट आपको दे सकते हैं और आपको सफलता के करीब ला सकते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।